लोनी गाजियाबाद क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू होने के पहले ही दिन जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, प्रशासन ने किए आवश्यक इंतजाम। लोनी गाजियाबाद को कोरोना संक्रमण से बचाए रखने में जिला प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाहता है, जिसके लिए लोनी क्षेत्र में प्रशासन प्राथमिकता पर लॉकडाउन को और अधिक प्रभावी सख्ती से लागू करा रहा है। लोनी गाजियाबाद क्षेत्र में कोरोना संक्रमण को सफलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित किए जाने के उद्देश्य एवं जनहित में जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने पूरे लोनी क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू की है। सेक्टर स्कीम के तहत लोनी क्षेत्र को 8 सेक्टरों और 4 जोन में विभाजित कर प्रत्येक सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की गई है। क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का कार्य सामूहिक रूप से सघन सैनिटाइजेशन की कार्यवाही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से कराना एवं कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल को पूर्ण कराना, सैंपलिंग कनेक्शन करना, दिल्ली आवागमन करने वाले लोगों पर पैनी दृष्टि रखना, मास्क न लगाने वालों और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने इत्यादि पर जुर्माना की कार्यवाही सुनिश्चित कराना, लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना और लोगों की काउंसलिंग करने का दायित्व सेक्टर प्रभारी व उसके साथ गठित टीम को सौंपा गया है। इस क्रम में आज जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने लोनी क्षेत्र में सेक्टर स्कीम लागू होने के पहले ही दिन स्वयं क्षेत्र का निरीक्षण किया और सेक्टर स्कीम के तहत प्रशासन की तैयारियों कार्यों का जायजा लिया।